सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर, और मैं आपको बताऊंगा माइनक्राफ्ट की एक ऐसी सीड जिसके अंदर आपको ढेर सारे एंटिटी एंड ढेर सारे ग्लिचेस देखने को मिलेंगे। जी हाँ, एक ऐसे ग्लिचेस आपको देखने को मिलेंगे जो आपने पहले कभी देखे नहीं होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि ये ग्लिच आपको कहाँ पे और किस तरह देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, साथ ही सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों ये ग्लिचेस बहुत ही कमाल के हैं और ये आपको माइनक्राफ्ट की केवल इसी सीड के अंदर देखने को मिलेंगे। ये सीड 1.14 की सबसे बढ़िया सीड मानी जाती है, लेकिन आज मैं इसे लेटेस्ट अपडेट में यानी 1.19 में ट्राई करूँगा। ये सीड बेडरॉक एडिशन एंड पॉकेट एडिशन दोनों पे ही काम करती है, तो आप इसे दोनों पे ही यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए आज की ये धमाकेदार वीडियो में शुरू करता हूँ और आपको लेके चलता हूँ माइनक्राफ्ट की इस कमाल की एंड धमाकेदार सीड के अंदर। चलिए दोस्तों आज के वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने वर्ल्ड का नाम देना है, उसके बाद आपको अपनी सीड के अंदर आना है। सीड के अंदर आने के बाद आपको सीड डालनी है 219-3758-29-41-2580। आपको ये वाली सीट डाल देनी है। डालने के बाद आप अपने हिसाब से सेटिंग ऑन ऑफ कर सकते हो और अपने वर्ल्ड को आप जनरेट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे कुछ देर वेट कर लेता हूँ, अपने वर्ल्ड को जनरेट होने देता हूँ और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो हमारा जो स्पॉन पॉइंट है वो ये वाला होने वाला है, आप लोग देख सकते हो वुड के ऊपर। तो सबसे पहले आपको यहाँ से वुड कलेक्ट करना है और वुड के टूल कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे मुझे स्टोन भी दिख रहा है नीचे, तो मैं डायरेक्ट स्टोन के टूल कंप्लीट करने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपने लिए स्टोन के टूल कंप्लीट कर लिए हैं और अब अपनी जर्नी में शुरू करता हूँ। 10,000 ब्लॉक की जर्नी जो है मुझे कम्प्लीट करनी है और साथ ही मैं अपने लिए जो फूड है वो भी कलेक्ट करता जाऊंगा। तो दोस्तों चलिए आज की जर्नी हम शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे 10,000 ब्लॉक की जर्नी कंप्लीट करने के लिए। तो दोस्तों मैं ऑलमोस्ट 3,000 ब्लॉक आगे आ चुका हूं और अभी तक मुझे कोई भी ग्लिच या फिर कोई भी एंटिटी नहीं मिला है। मुझे ओशन मिला है तो मैं इसे ओशन को पार करता हूँ। अगर मुझे आगे कुछ भी मिलता है तो मैं आगे आपको बताऊँगा। तो दोस्तों आखिरकार मैं 6,000 ब्लॉक कंप्लीट करने वाला हूँ, कर चुका हूँ, और अभी तक मुझे इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी एंटिटी कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिला है। तो मैं आगे की जर्नी इसी तरह कंटिन्यू रखूँगा और मुझे 4,000 ब्लॉक कंप्लीट करने, उसके बाद अपनी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। हो सकता है कि लेटेस्ट अपडेट में ये सीड अब काम नहीं कर रही है। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हो तो 1.14 में ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए आगे की जर्नी कंप्लीट करने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों मैं ऑलमोस्ट 10,000 ब्लॉक कंप्लीट करने वाला हूँ और अभी तक मुझे इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी एंटिटी कोई भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं दिया है। तो हो सकता है कि 1.19 में ये सीड अब काम नहीं करती है। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हो तो 1.14 में ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट 20 ब्लॉक और आगे मुझे कम्प्लीट करने, उसके बाद मेरी जो जर्नी है वो कम्प्लीट हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट मेरी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, मैं 10,000 ब्लॉक कंप्लीट कर चुका हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट माइनक्राफ्ट मिस्ट्री में। तब तक के लिए टेक केयर।